अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और डिलीशियस ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही डिलीशियस है ये ब्रेड पुडिंग। बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आज मैं आप लोगों को ये ब्रेड पुडिंग बनाना सिखाऊंगी। नॉर्मली ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घरों पर मौजूद होते हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस तकरीबन 8, और मैं यहाँ पर छोटे वाले ब्रेड स्लाइसेस ले रही हूँ, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर 8 अदद लिए हैं। अगर आपके पास बड़े वाले ब्रेड स्लाइसेस हो तो आप 6 भी ले सकते हैं। साइड्स हटाकर हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसके क्रम्स बना लेंगे। फूड प्रोसेसर में या फिर ग्राइंडर में आप इसके क्रम्स बना सकते हैं ईजिली। कैरमल बनाने के लिए हम लेंगे तकरीबन 1/2 कप शुगर, और चीनी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई पर नहीं करना। ये चीनी पिघलनी शुरू हो गई है, देखें इस तरह से ये मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इस स्टेज पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि जब आप इसे ओवर कुक करते हैं तो ये डार्क ब्राउन हो जाता है और ये जो चीनी है ये कड़वी हो जाती है। और जल्दी से हम इसे इस तरह करके सेपरेट बॉल्स में या फिर एक ही बॉल में ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर सेपरेट बॉल्स में बना रही हूँ, तो आप स्टील के किसी बर्तन में बना सकते हैं या फिर ओवन प्रूफ शीशे के बर्तन में भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीनी का जो मिक्सर है, कैरमल है, ये हम इस तरह से ऐड करेंगे और इसे साइड पर रखेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं तकरीबन 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, और इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे छान लेंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल इसमें गुठलियाँ नहीं बनती, बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर बन जाता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क। फ्रेश दूध हम लेंगे, और 1.5 लीटर मैंने लिया है। अगर आप कम लेना चाहते हैं तो आप कम ही ले सकते हैं। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसे बॉयल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और जब उबाल आना शुरू हो जाए तो हम फ्लेम को लो पर कर देंगे। चीनी हम इसमें हसबे जायका ऐड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर 1/2 कप इसमें ऐड करूँगी, आप हसबे जायका इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब हम फ्लेम को लो पर कर देंगे। हल्की आंच करके आपने इसमें कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो ऐड करते जाना है, और मुसलसल विस्क की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इस तरह से आपने इसे मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप ये मिक्सचर, जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर है, अगर ये आप थिक बनाएंगे तो आपका जो स्टीम टाइम है वो कम होगा, और अगर आप इसे थिन बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इसमें कस्टर्ड पाउडर या ब्रेड क्रम्स कम से कम ऐड करना चाहते हैं और आप इसे थिन बनाना चाहते हैं, तो फिर आपका स्टीम टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि तकरीबन 40 मिनट्स, और इस तरह के मिक्सर को हम तकरीबन 20 मिनट देंगे स्टीम देने के लिए। तो ये मिक्सर हमारा तैयार है, बस इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। सर्विंग बॉल्स में इस तरह से आपने कस्टर्ड को ऐड करना है, और ऊपर से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। इसके ऊपर हम फॉइल का पीस इस तरह से लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर कोई सा भी थिक कागज़ लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो स्टीम से ख़राब ना होने पाए। यहाँ पर पानी को मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया था, और इसमें हम कोई सा भी बर्तन या फिर स्टैंड या इस तरह की कोई सी भी छलनी रखेंगे, और इसके ऊपर हम अपने जो रैमकिन्स यानी कि जो बॉल्स हैं ये हम रखेंगे। और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर स्टीम दे देंगे। तो ये तैयार है। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, और इसके बाद हमने इसे फ्रिज में रख लेना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हम इसे सर्व करेंगे अच्छी तरह से ठंडा करके।
और अगर आप चाहें तो आप इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे रूम टेम्परेचर पे पहले लेकर आना है और उसके बाद आपने इसे आराम से एहतियात से अपसाइड डाउन करके निकालना है प्लेट में। और ये देखिए मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बना है और ये पुडिंग आपको बहुत ही स्मूथ नज़र आ रहा होगा। स्टार्ट में जब हमने इसका मिक्सर बनाया था वो थोड़ा सा रफ था, लेकिन जैसे ही ये ठंडा हो गया ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही नरम बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो थम्स अप दीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल लाइफस्टाइल विद लाइवली कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट करें, वहाँ पर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो उसे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।